हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि एलटीपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके सामने वाली घंटी को दबाएं, जिससे हर न्यूज आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। नमस्कार, एलटीपी न्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी ने उनसे आगे बढ़कर ये कहा कि 30 नवंबर तो नहीं लेकिन 10 दिसंबर तक पूरा भुगतान हो जाएगा गन्ना सोसाइटी की मीटिंग में। तो ये लोग, इनको शर्म भी नहीं आती है कि लगातार झूठ बोलते रहते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि गन्ना किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, और हम कह रहे हैं दुगनी तो ना हो लेकिन हमारा जो पैसा है, हमारी जो फसल का दाम है वो तो दे दो। हम कम से कम, किसान आज परेशान है, अपनी बेटियों की शादियाँ नहीं हो पा रही हैं उनकी, और बैंक से अगर कोई ब्याज लिया है तो बैंक वाले उन पर चढ़े जा रहे हैं, और जो असल पैसा है, तो इनके खिलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं होती? सिर्फ अखबारबाजी करने के लिए कि अगर पेमेंट नहीं हुआ तो FIR होगी, जेल में डाला जाएगा, लेकिन आज तक एक चीनी मिल के भी खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। 30 अप्रैल 2018 में चीनी मिल बंद हुई थी, उस टाइम जो हमारा बकाया था वो 119 करोड़ रुपए का बकाया था। जब ये चीनी मिल चली और 18-19 में नया प्राइस सत्र शुरू हुआ तो इस पर बकाया था 70 करोड़ रुपया। 2 नवंबर 2018 में ये चीनी मिल चली, उस टाइम 70 करोड़ बकाया था। आज जो दिन है वो 29 दिसंबर 2018 है। लगभग मेरे ख्याल से 2 महीना इसे चलते हुए हो गए, 2-3 दिन कम है, 105 करोड़ रुपया इस पे बकाया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने एक बहुत बड़ी तरह से हमारे साथ एक साजिश कर रखी है कि हमें 100 से 150 करोड़ के बीच किसानों का भुगतान रोकना है, चाहे किसान कहीं पर भी जाए। ये जो आप आलीशान इनका जो ऑफिस देख रहे हैं, अगर आप इसमें कदम रखेंगे, ज्यादातर किसान भाई इसमें गए होंगे, बेचारे भूल जाते हैं किधर से निकलना है, किधर से घुसना है, क्योंकि जो बैठे हैं आलीशान यहाँ पर महल में, ये भी हैं किसानों के ही बेटे। ये जो है, जो भी इसमें 2 यूनिट है अब से पहले जा चुके हैं, उनका भी ढंग देख रहे हैं, जो इन्होंने किसानों के साथ जो दुर्दशा की थी। एक मलिक साहब रहते थे जिनकी औलाद ऐसी का काम बेकार निकली कि उन्होंने उसने उनका मार के ही फंद काटा। दूसरा था यह एसएम शर्मा, वो अपने आप को बहुत बड़ा जादूगर मानता था। एक 1.5 साल हुआ है, उसकी भी ऐसी भिंडी बिकी कि यह पहचानने वाला नहीं है कि एसएम शर्मा कौन था। आज यहाँ पर आया बरेली से शरद मिश्रा, जो यहाँ पर आता था एक एलिमेंट में इसका स्कूटर से, आज बड़ा पानी उसमें गाड़ी में चल रहे हैं। उसके बाद यह एक GM है रविंदर सिंह, जो उसकी चाल देखोगे, सुबह निकला है वह प्रमुख साहब खड़े थे, उसे ये कमी गाय थी कि किसी से नमस्ते कर ले, उसकी चाल देखोगे एक हिजरा की कला है, और उसने इस फैक्ट्री के आने के बाद बिल्कुल बर्बादी में दिया। 105 करोड़ रुपए आज के टाइम पे किसानों का बकाया है। किसानों के साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बरेली में जब फतेहगढ़ पश्चिमी के मैदान में आए प्रधानमंत्री बनकर, जब चुनाव में आए तो कहा कि बरेली के लोगों, तुम्हारे यहां माजा बहुत अच्छा बनता है और गुजरात में पतंग बहुत अच्छी बनती है, हमारा और तुम्हारा रिश्ता पतंग और माजे का रिश्ता है। और जब प्रधानमंत्री बनने के बाद आए फतेहगढ़ फैक्ट्री के मैदान में, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान भाइयों, परेशान मत होना, घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी आमदनी दुगनी कर दी जाएगी। जिस दिन से उन्होंने ये ऐलान किया, देश का किसान और ज्यादा परेशान हो गया, और पूरे देश के अंदर लगभग 3.5 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। इसलिए साथियों, हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। हमारे नेता जिन्होंने इस देश के किसानों की बहुत लड़ाई लड़ी, जिनको किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के नाम से जाना जाता है, हमने उनकी जन्मदिन था 23 तारीख को, उसी दिन हम लोगों ने ऐलान किया कि किसानों की लड़ाई समाजवादी पार्टी हमेशा से लड़ती आई है और बहेड़ी में भी लड़ेगी। और इसीलिए किसानों ने जब हमसे कहा कि गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है, तब हम लोगों ने 23 तारीख को चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पर हमने किसानों के आंदोलन की शुरुआत की है। उसी दिन हमने ऐलान किया कि 29 तारीख को एक धरना दिया जाएगा और हर बूथ से सिर्फ 2 या 3-4 लोग बुलाए।
पहले अपनी बात गांव गांव तक पहुंचाएं, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी जैसा लोगों ने कहा तो ईंट से ईंट बजाने का काम समाजवादी पार्टी के लोग यहां पर करेंगे। और जब तक गन्ने का भुगतान नहीं दिला देंगे, हम तुम्हारे साथ, जब तक गन्ने का भुगतान नहीं दिला देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसलिए साथियों, आज हम लोगों ने ये सांकेतिक धरना दिया है और फैक्ट्री के मैनेजमेंट के लोगों, सुन लो, तुम्हारे मालिक की नगर फैक्ट्री बंद हो गई, कदीर साहब बता रहे थे, जो इतने किसानों की हाय लेगा बताओ कि उसका क्या हाल होगा, जो इतने किसानों की हाय लेगा उसका सत्यानाश होगा। इस फैक्ट्री के मिल के मालिक के चक्कर में फैक्ट्री के मैनेजमेंट के लोगों, फायदा होगा इसके मालिक को, लेकिन तुम जो इसकी बेईमानी में भागीदार बनते हो, अगर उसका बेड़ा गर्क होगा तो तुम कैसे बच जाओगे। हम लोगों ने आज धरना दिया बड़े पैमाने पर, पूरे क्षेत्र के हजारों किसान आज यहाँ इकट्ठे हुए, और ये धरना हमारा सांकेतिक था कि हम एक संकेत दे रहे हैं कि हमारे किसानों का गन्ने का भुगतान कर दो, और अगर नहीं किया गया तो 15 जनवरी के बाद फिर हम रणनीति बनाएंगे और फिर एक बड़ा आंदोलन हम छेड़ेंगे, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना। अब 15 जनवरी के बाद अगर मानते पेमेंट नहीं होता तो क्या करेंगे? हमने कहा ना, उसके बाद हम अपने साथियों के साथ और किसानों के साथ रणनीति तय करेंगे, और उसके बाद जो भी तय होगा उसमें एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। ठीक। और दूसरी बात यह है कि हम अपने हमारे जो गन्ना सोसाइटी के चेयरमैन हैं केंद्रपाल जी और जो हमारे डायरेक्टर हैं, हम इन लोगों से भी कहेंगे कि गन्ना घटतौली की जो बात है, ये लोग अधिकारियों को लोग लेकर जाएं, एक टीम बनाकर, और हर गन्ना केंद्र जितने भी हैं उनको चेकिंग करें, और उसके बाद अधिकारी साथ में होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू। बच्चों के लिए जो खाना बनेगा वो इस सीसी के तेल से उपलब्ध कराया जाएगा, और यहाँ पर जो चावल की स्थिति इन्होंने बताई थी, वो चावल की स्थिति 8 किलो की मात्रा में 97 बच्चों के लिए चावल दिया गया था। आपको और दिखा रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से हम, यहाँ पर जो खाना बनता है वो जला योजना और विद्यालय में सिलेंडर नहीं। एक ही तस्वीरों के माध्यम से क्या स्थिति है विद्यालय की, यहाँ पर रसोई घर की, थोड़ा अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे हम थोड़ा इसको ऊपर ले जाएं, जो काला है। तो यहाँ पर जो आप इन तस्वीरों के माध्यम से खुद ही देख रहे हैं कि आप क्या है, यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है इस विद्यालय के अंदर। हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि एनटीटी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके सामने वाली घंटी को दबाएं, जिससे हर न्यूज आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।